तो यहाँ पर मैं 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, और ऐसे सभी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सभी वीडियोस आप तक पहुँचे और इसका बेनिफिट आप लोगों को हो। तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं एंड वी आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी, आप लोगों को याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्टिंग फोर्स को पैरेलल नहीं होती, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल जो है वो कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, और इस टाइप के मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि क्रिकेट खेलते वक्त, प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिकेटर बैट्समैन अगर बल्ले से गेंद को हिट करता है सिक्सर मारने के लिए, तो वो उस गेंद को बल्ले से मेकिंग सम एंगल टू द हॉरिजेंटल उछालता है, एक गेस करता है वो कि कितने एंगल से उसको उछालना चाहिए, और फिर वो गेंद जो है वो आगे बढ़ते वक्त एक्स एक्सिस के अलोंग भी आगे जाती है, वाई एक्सिस के अलोंग भी आगे जाती है। कुछ ही देर में वाई एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, मतलब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, और फिर वहां से एक्स एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता चला जाता है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, और वो गेंद जमीन पर गिर जाती है। अगर बाउंड्री के बाहर तो सिक्सर, अगर बाउंड्री के अंदर अगर कैच कर लिया गया तो बैट्समैन आउट। ये सब बातें मैंने आप लोगों को प्रीवियस पार्ट में बताई थी। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यहां पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जो पार्टिकल कंसीडर किया था उसको u इतने इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल के साथ उसने जो एंगल किया था वो थीटा इतना था। और फिर आप जानते हैं कि अगर इस इनिशियल वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलोंग जिसको हम यू एक्स से डिनोट करेंगे, और इसका एक कंपोनेंट होगा y एक्सिस के अलोंग जिसको हम यू वाई से डिनोट करेंगे। और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री अगर हम यू एक्स और यू वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे, प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को निकाल कर बताई थी, वो आप वापस फिर से एक बार देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और यू एक्स की हमारी वैल्यू आई थी यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू हमारी आई थी यू साइन थीटा। और प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू, यहाँ पर देखिए जब हम गेंद को हाथ में से फेंक देंगे या फिर ऑब्जेक्ट को मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजेंटल उछालेंगे, तो हमारे हाथ में से छूटने के बाद में हमारा फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहेगा, और फिर जो फोर्स उसके ऊपर आगे एक्ट होता रहेगा हमारे हाथ में से रिलीज होने के बाद में, वो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स होगा, और ग्रेविटी उसको वर्टिकली डाउनवर्ड खींचेगी। और फिर आप जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन उसके ऊपर एक्ट होगा, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। और फिर आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड है तो उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा, और इसीलिए आप लोगों को मैंने भी बताया था कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जीरो होने की वजह से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है वो जरूर चेंज होती रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है। और फिर आप लोगों को ये कॉमन सेंस है कि जब ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस ऊपर 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 जाता रहेगा तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद में उसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, और फिर वहां से जब वो नीचे आने लगेगा अलोंग द वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस के अलोंग उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यू नो दैट के हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है यहाँ पर, और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ देर के लिए डिक्रीज होती है और फिर वापस वो इंक्रीज होती है, और फिर वापस उतनी ही हो जाती है जितनी वो इनिशियली वाई एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट जितना था उतनी। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता है कि हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल तो जैसे आगे आगे बढ़ता रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग बढ़ेगा, और हमको एक्स एक्सिस के अलोंग जब वो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करेगा तो उस वक्त, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्स इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया तो वाई एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो हमने निकाला था,
और आप लोगों को याद है उसको हमने कैसे निकाला था? सिंपली हमने ये कहा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। तो ये निकालने के लिए हम करेंगे टी मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की उसकी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, जो कि आप जानते हैं कि यू एक्स इतनी होती है और यू एक्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, और इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज़ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल डिस्टेंस एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। मतलब जो टाइम लगेगा वो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड होगा, एक्स पर भी डिपेंड होगा, मतलब जितना ज़्यादा एक्स उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टाइम जो है वो कम लगेगा। आप जानते हैं कि स्पीड अगर ज़्यादा है तो हमको हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए टाइम जो है वो कम लगता है। तो इसके बाद में हम लोगों को ये पता है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, अगर हम चाहते हैं कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमको लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द वाई एक्सिस को अगर हमने वाई से डिनोट किया, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेनी पड़ेगी इनटू टी माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो निगेटिव हमको लेनी पड़ेगी, और इसीलिए यह होगा माइनस वन बाय टू इंटू जी टी स्क्वेयर। और अब ये टी की वैल्यू अगर हम प्लेस करेंगे, ये टी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे, तो वाई इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा, देखिए यू वाई हमने पहले ही निकाल कर रखा था, वो था यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू हम प्लेस करेंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ ऑफ द जी इंटू टी की वैल्यू हमको पता है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और उसका हमको करना पड़ेगा स्क्वेयर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो y इज इक्वल्स टू देखिए यू यू हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब ये होगा टेन थीटा, और इंटू ये x, और माइनस इसको मैं करता हूँ g अपॉन टू, और x का स्क्वेयर मतलब ये हुआ एक्स स्क्वेयर, और u कॉस थीटा का स्क्वेयर मतलब ये हुआ u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू x माइनस g अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी और द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और फिर आप लोगों को यहाँ पर पता है कि एक्स के अकॉर्डिंग वाई चेंज होता रहेगा, एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है, तो एक्स के अकॉर्डिंग वाई चेंज होता रहेगा, और बाकी तो बात ये सब कांस्टेंट है, जैसे इनिशियल एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फिक्स है, और फिर इसी वजह से इसको हमने ए कहा था, इसको हमने बी कहा था, और इक्वेशन हमने लिखा था वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस दिस इज अ बी, तो देयरफॉर इट इज बी इंटू एक्स स्क्वेयर। अब आप जानते हैं कि ये इक्वेशन है पैराबोला का, मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन में इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन या फिर ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन जो है वो कंडीशन फॉर द पैराबोला सेटिस्फाई करता है, और इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक पाथ या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करता है। तो हम यहाँ तक आ चुके थे। एक बात यहाँ पर ये देखिए, मुझे एक बात बताइए कि जब ये पार्टिकल ये जो पार्टिकल है यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते समय अगर मैं इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ले लूं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा यू वाई इंटू टी, है ना, यस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ऑफ द जी इंटू टी स्क्वेयर, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि जब ये पार्टिकल यहां से निकलकर वापस यहां गिरेगा, तो उसके y एक्सिस के अलॉन्ग के डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए जरा क्या होगा। पहले तो y एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, मैक्सिमम से फिर वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और y एक्सिस के अलॉन्ग आखिर में उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। और वो जब y एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वो जमीन पर आकर गिरेगा। तो फिर मतलब पार्टिकल निकलने के बाद में वापस जमीन पर गिरेगा, तो इतनी उसकी जो मोशन है उसको जो टाइम लगता है ना,
इसको कहते हैं टाइम ऑफ अ फ्लाइट। तो हमको ये पता है कि टाइम ऑफ अ फ्लाइट अगर हमको निकालना है और टाइम ऑफ अ फ्लाइट को टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्हेन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ अ फ्लाइट, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। और फिर ये कंडीशन अगर हमने इस इक्वेशन को अप्लाई की तो फिर इक्वेशन हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ ऑफ द जी इंटू कैपिटल टी स्क्वेयर। अब ये माइनस वन बाई टू जी इंटू टी स्क्वेयर को अगर आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू जी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी इसमें से कैपिटल टी को कैंसिल करेगा और फिर इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू ये टू ऊपर चला जाएगा ट्वाइस यू वाई डिवाइडेड बाई जी। अब आप जानते हैं कि यू वाई इज नथिंग बट द यू साइन थीटा और इसीलिए टाइम ऑफ अ फ्लाइट का इक्वेशन हमको मिलेगा टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ अ फ्लाइट। तो ये हमने निकाल लिया टाइम ऑफ अ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ अ फ्लाइट मतलब जमीन से निकलकर वापस जमीन पर गिरने के लिए पार्टिकल को जो टाइम लगा है टोटल, दैट इज द टाइम ऑफ अ फ्लाइट। अब आप लोग जानते हैं कि इसमें से आधा टाइम उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए लगा होगा और आधा टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से वापस जमीन पर गिरने के लिए लगा होगा। तो अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं तो इसका आधा हिस्सा जो है वो टाइम ऑफ असेंट होगा और आधा हिस्सा जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा। जैसे अगर आप लोगों को टाइम ऑफ असेंट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आधा करना पड़ेगा, इसको दो से डिवाइड करेंगे तो इसको भी दो से डिवाइड करना पड़ेगा, टू टू हो जाएगा कैंसल और टाइम ऑफ असेंट हमको मिलेगा यू साइन थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होगा क्योंकि चढ़ने के लिए जितना टाइम लगेगा उतरने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज अ सेम व्हाइल इट इज मूविंग अप एंड मूविंग डाउन। तो देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो होगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से आप लोगों ने टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो निकाल लिया। टाइम ऑफ असेंट निकालने के बाद में पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने, मतलब मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेन करेगा ये हम निकालेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, तो लेट इसको हमने मिटा दिया और अब हमको निकालना है कि पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के मतलब मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेन करेगा। तो यू नो इक्वेशन वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, राइट? वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, तीसरा इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब इसको अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यूज करेंगे और y एक्सिस के अलोंग के वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वेयर माइनस ट्वाइस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम हाइट h यूज करेंगे। ओके अब मुझे एक बात बताइए कि पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है और कंटिन्यूअस x और y एक्सिस के अलोंग आगे आगे बढ़ता है तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो मैक्सिमम हाइट जब वो अटेंड करेगा तो वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी मोमेंटरीली मतलब उतने उस पल के लिए जीरो हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर हमने हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट ले लिया, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में हमको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू लेना पड़ेगा जीरो। कब? जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो उस मैक्सिमम हाइट पर उसकी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। और इसीलिए हम कहेंगे व्हेन एच इज इक्वल्स टू एच मैक्स देन वी वाई मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। और फिर ये कंडीशन अगर हमने इसको अप्लाई की तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वेयर माइनस ट्वाइस जी इंटू एच मैक्स। अब ये अगर आप इधर लाओगे तो ट्वाइस जी इंटू एच मैक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू वाई स्क्वेयर और इसीलिए अब हमको मिलेगा एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी। आगे आप जानते हैं कि यू वाई की जो वैल्यू है वो है यू साइन थीटा और ये यू वाई की जगह अगर हम यू साइन थीटा वहाँ पर प्लेस करते हैं तो
तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर, मतलब यू साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये रहा ट्वाइस जी, तो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। ये हुई आप लोगों की मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड होगी, एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड होगी। ये रहा आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। और चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिससे के लिए मैं इसको मिटा दूंगा। लेकिन इसको मिटाने से पहले एक बार फिर से ये याद करके रख दीजिए कि हमने कौन कौन से इक्वेशंस डिराइव किए थे। वो सब इक्वेशंस हम लिख कर रखेंगे जो हमने अब तक डिराइव किए थे। पहला तो हमने इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी डिराइव किया था, जो आया था हमारा y इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। उसके बाद में हमने टाइम ऑफ अ फ्लाइट डिराइव किया था, ये टाइम ऑफ अ फ्लाइट जो है वो हमारा आया था ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी, ये भी एक बात याद रखना। और अभी अभी हमने मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल हमने डिराइव किया था एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। तो ये तीन इक्वेशंस अब तक हम डिराइव कर चुके हैं, पहला इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ अ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करेंगे, जो कि मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल, उसको कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और आप लोगों को ये पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट मस्ट डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी स्पीड और इनटू टाइम लेना पड़ेगा। अब टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ग्राउंड से निकलकर वापस ग्राउंड तक आने के लिए जो टाइम लगा है, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ अ फ्लाइट। तो इसीलिए हम यहां पर अगर टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ अ फ्लाइट ले लेंगे तो आप जानते हैं कि टोटल टाइम ऑफ अ फ्लाइट में पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देयरफॉर व्हेन टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना डिस्टेंस। तो अगर हम टी की वैल्यू कैपिटल टी प्लेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमको आर प्लेस करनी पड़ेगी, और इसीलिए ये आर इज इक्वल्स टू होगा, आर इज इक्वल्स टू होगा यू एक्स इंटू कैपिटल टी। अब यू एक्स की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, यू एक्स की वैल्यू वो है यू कॉस थीटा, और इंटू कैपिटल टी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, हमने निकाली थी ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू यू इंटू यू, मतलब यू स्क्वेयर इंटू ये टू, बाद में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा जी। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट द साइन टू थीटा, और फिर वो अगर आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू होगा यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये है हमारी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह से चौथा इक्वेशन भी हमने डिराइव कर दिया कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारी आई यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये सब हमने किया, हमने इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी निकाला, हमने टाइम ऑफ अ फ्लाइट निकाला, हमने मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल निकाला, और हमने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी निकाल लिया। अब यहाँ पर जो तरीका मैंने यूज़ किया वो सब मैंने इंडिपेंडेंटली निकाले हैं, है ना। लेकिन जब हमने पहला इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी निकाला था, उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के ऊपर से भी आप ये सब इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। तो चलो बताइए, इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी क्या निकाला था हमने, हमने निकाला था वाई इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। अब एक बात मुझे बताइए कि x एक्सिस के अलॉन्ग जब पार्टिकल टोटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
तो y एक्सिस के अलावा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेचुरली जीरो। तो इसीलिए अगर हम यहां पर इफ x इज इक्वल्स टू r ले लेंगे तो ऐसे सिचुएशन में y इज इक्वल्स टू हमको लेना पड़ेगा जीरो। और फिर ये कंडीशन अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू अगर हम जीरो प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू x के लिए r यूज करना पड़ेगा माइनस g अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा और इंटू करना पड़ेगा बच्चों क्या r स्क्वेयर। अब ये सब अगर आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा g अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू r। ये r इसमें से एक r को कैंसिल कर देगा, tan थीटा मतलब आप लोगों को लिखना पड़ेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा g अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू tan थीटा मतलब होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये cos थीटा इसमें से एक cos थीटा को कैंसिल करेगा और r को यहीं पर रखकर अगर ये क्वांटिटीज हम उधर ले जाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा r इज इक्वल्स टू, देखिए ये ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये g जो है वो चला जाएगा नीचे, और फिर आप जानते हैं कि ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट द साइन टू थीटा, ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट द साइन टू थीटा, एंड देयरफॉर r मस्ट बी इक्वल्स टू यू स्क्वेयर इंटू साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय g। तो देखिए फिर से रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो उतनी ही आ गई, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी, मतलब इंडिपेंडेंटली टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर से स्पीड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के ऊपर से निकालोगे तब भी उतनी ही आएगी, और इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी के ऊपर से निकालोगे तब भी उतनी ही आएगी।